था कूलम्स ला। अभी हमारे पास है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट्स में जाने से पहले जस्ट मैं आपको हिंट देता हूँ, इक्विलिब्रियम कहते हैं मींस की मतवाजन हालत। अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, भी इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मीन्स 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, तो ये इक्वल टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो अगर हमारे पास बॉडी रेस्ट में है तो उसको स्टेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, अगर हमारे पास कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी हमारे पास तीन जो है स्टेट्स हैं। पहली है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता क्या है, जैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर कराया था, इसमें आप देखें अगर आप कोई चीज़ को डिस्टर्ब करें फिर छोड़ दें तो वापस अपने असल हालत में आ जाएगा। एक्चुअली इंजीनियरिंग सेंस में हम लोग उसको देखेंगे, ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या हो जाएगी, पहले यहाँ पे थी, अगर इसको थोड़ा हिलाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से ज़्यादा ऊपर हो जाएगी। अ सिस्टम इज सेट टू बी इनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट। एंड जो पहले नॉर्मल पॉइंट अगर ये था तो ऊपर करने सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मूव हो गया, तो इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मल पॉइंट से ऊपर चला गया, तो इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करेंगे तो बॉडी अपनी असल हालत में दोबारा आ जाएगी। नेक्स्ट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसको आप इतना डिस्टर्ब करो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, पहले की निस्बत डाउन हो जाएगी, यानी नीचे हो जाएगी, हमारे पास बिलो हो जाएगी नॉर्मल पॉइंट से। तो ऐसी चीज को अगर डिस्टर्ब करेंगे, इतना डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस हालत में नहीं आएगी। अ सिस्टम इज सेट टू बी अनस्टेबल। इस स्टेबल को जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ब्लू फ्रॉम नॉर्मल पॉइंट, दैट इज अनस्टेबल है। ये लफ्ज जो है ना अनस्टेबल है, जब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ब्लू होगा नॉर्मल पॉइंट से, यानी पहले से। न्यूट्रल क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल बड़ा सिंपल और आसान है। गेंद, अगर क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल भी नहीं खेलते हैं तो आपने क्रिकेट या फुटबॉल देखी होगी, या बच्चे किसी की अपने घर में आप देखें उसके पास गेंद देखें उसको उठाएं, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडल में होती है, आप उसको फर्श पे रखें और उसको मूव करें तो आप देखेंगे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही होगी। ऐसे सिस्टम को हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। आई होप कि बड़ा शॉर्ट लेक्चर था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लेक्चर। थैंक यू सो मच इंजीनियर्स, अल्लाह हाफिज।